दोस्तों ये बात आप लोग जानती होगी, बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए फाइनली। भैया आज 13 दिन हो चुके हैं, तो भैया इस फिल्म का 13वां दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा जा रहा है कमाई के मामले में, इसको लेकर इस फिल्म का आज का ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ चुका है। तो चलिए मैं आपको ये जानकारी देता हूं कि भैया आज के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के माध्यम से ये फिल्म कितने का कलेक्शन कर सकती है बॉक्स ऑफिस पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने एनिमल के 13 दिन के भैया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट को रखूंगा, भैया उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म को 13वें दिन पूरे इंडिया से कितने का एडवांस बुकिंग मिला था। तो दोस्तों एनिमल को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म को हिंदी 2D वर्जन के माध्यम से आज जो एडवांस बुकिंग मिला है पूरे इंडिया से वो आंकड़ा है 2,17,12,086 का। कितने टिकटों को भेजने के बाद? भैया 1,06,528 टिकटों को भेजने के बाद। उसके बाद इस फिल्म को तेलुगु 2D वर्जन के माध्यम से जो आज एडवांस बुकिंग मिला है वो आंकड़ा है 24,73,271 का। कितने टिकटों को भेजने के बाद? तो भैया 22,130 टिकटों को भेजने के बाद। उसके बाद इस फिल्म को तमिल 2D वर्जन के माध्यम से जो एडवांस बुकिंग मिला है वो आंकड़ा है 4,92,287 का। कितने टिकटों को भेजने के बाद? भैया 4,408 टिकटों को भेजने के बाद। उसके बाद इस फिल्म को कन्नड़ा 2D वर्जन के माध्यम से जो आज एडवांस बुकिंग मिला है वो आंकड़ा है 76,880 का। कितने टिकटों को भेजने के बाद? भैया 760 टिकटों को भेजने के बाद। उसके बाद इस फिल्म को मलयालम 2D वर्जन के माध्यम से जो आज एडवांस बुकिंग मिला है वो आंकड़ा है 27,130 का। कितने टिकटों को भेजने के बाद? 141 टिकटों को भेजने के बाद। और उसके बाद इस फिल्म को हिंदी IMAX 2D वर्जन के माध्यम से जो आज एडवांस बुकिंग मिला है 13वें दिन के लिए वो आंकड़ा है 2,94,415 का। तो भैया कितने टिकटों को भेजने के बाद? भैया 654 टिकटों को भेजने के बाद। यानी भैया एनिमल को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया 13वें दिन भी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार एडवांस बुकिंग मिला है। यानी भैया आज इस फिल्म को 2,50,76,271 का एडवांस बुकिंग मिला है 1,34,621 टिकटों को बेचने के बाद। और भैया इसी एडवांस बुकिंग के माध्यम से इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया ये फिल्म 13वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर सभी लैंग्वेजों में कलेक्शन कर सकती है वो आंकड़ा लगभग 11 करोड़ के आसपास का हो सकता है। और इस कलेक्शन के माध्यम से यह फिल्म 472 करोड़ का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर करती नजर आ रही है 13वें दिन। यानी इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि आज इस फिल्म को पूरे दिन में अच्छा ऑक्यूपेंसी रेट मिला था मेरे भाई, तभी इस फिल्म को ऐसा कलेक्शन मिल रहा है। यानी इस फिल्म को आज हिंदी लैंग्वेज में ओवरऑल पूरे दिन में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 15.09% का। यानी कि भैया इस फिल्म को मॉर्निंग के शो में जो आज ऑक्यूपेंसी रेट मिला था हिंदी लैंग्वेज में आंकड़ा था 12.13% का। उसके बाद में आफ्टरनून के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 16.17% का। उसके बाद में इवनिंग के शो में इस फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी रेट मिला था हिंदी लैंग्वेज में वो आंकड़ा था 16.96% का। उसके बाद में इस फिल्म को ओवरऑल पूरे दिन में तेलुगु लैंग्वेज में जो आज ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 19.21% का। यानी इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में मॉर्निंग के शो में जो आज ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 17.09% का। आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 19.82% का। और इवनिंग के शो में इस फिल्म को जो आज तेलुगु लैंग्वेज में ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 20.72% का। उसके बाद इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में ओवरऑल आज पूरे दिन में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 20.04% का। यानी तमिल लैंग्वेज में आज इस फिल्म को मॉर्निंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 17.03% का। आफ्टरनून के शो में जो इस फिल्म को ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 20.47% का। और उसके बाद इवनिंग के शो में इस फिल्म को जो आज तमिल लैंग्वेज में ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 22.61% का। यानी भी आज के ऑक्यूपेंसी रेट के माध्यम से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही आसानी से 10 से 11 करोड़ का बिजनेस करती नजर आ रही है, जिसकी मदद से यह फिल्म भैया पूरे इंडिया से जो सभी लैंग्वेज में कलेक्शन करते नजर आ रही है वो आंकड़ा है 471 करोड़ से लेकर 472 करोड़ तक का। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भैया इस फिल्म को जिस तरह का कलेक्शन मिल रहा है 13वें दिन, उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है ये फिल्म कितनी जल्दी 500 करोड़ का आंकड़ा हिंदी लैंग्वेज में पार करके दिखाएगी, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।